ये बताओ यहाँ पर ट्राइब्स होती हैं? ट्राइब्स कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? हम आदि है ना? आदि हो आप? आदि हम आदि है और यहाँ में मेंबा है और तागिब भी है। मेंबा मेंबा ओके M-E-M-B-A M-E-M-B-A B-A ओके और तारिन भी है। तारिन टोटल कितनी ट्राइब होंगी यहाँ पर? टेन ट्राइब। ड्रेस होती है, ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, वो कैसी होती है? ये अलग अलग होता है, तागिन का अलग होता है, मेंबा का अलग, उसका हम लोग आदि लोग का अलग। अच्छा आप आदि हो? जी हम आदि। नाइस नाइस नाइस। तो ड्रेस कहाँ पे मिल सकती है? ड्रेस हमारे पास होते हैं, हम अपने ड्रेस रखते हैं। आपके पास है? जी। अरे वाह क्या बात है यार, एक बार पहन के तो दिखाओ ना फिर, क्योंकि ना यार एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि एक ट्रेडिशनल ड्रेस कैसी होती है। पहनने में बहुत तकलीफ होता है लेकिन मैं पहन के दिखा दूंगी। तकलीफ होता है उसको पहनने में? बहुत भारी भरकम होता है लेकिन पहन के मैं दिखाती हूँ। ओके तो लेके आओ एक बार, देखते हैं, ये चीज यूनिक होगी अपने लिए। तो ये सारी ड्रेस निकाल के लाइए। ओई जी लेडीज पहनते हैं ना ऊपर में। अच्छा और ये है, इसको गाला बोलते हैं, गाला जो हम लोग लेडीज लोग का वो है ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस है। ओके इसको हम ऐसे लगाते हैं, बहुत शॉर्ट में पहनते हैं इसको ना। अच्छा इसका बात ये है ऊग, इसको हम लोग का भाषा में ऊग बोलते हैं। क्या चीज? ऊग। उग? हाँ उग बोलते, इसको भी ड्रेस पहन के इसको पहनना पड़ता है। तो ये गले में पहना जाता है? नहीं नहीं इसको यहाँ पे कमर में। कमर में कैसे पहनेंगे इसको? इसको ऐसे डालना पड़ेगा, मैं बाद में आपको पहन दिखाना एक बार। ये सॉफ्ट तो लग नहीं रहा, ये कमर में जाएगा कैसे? हाय साहब ये तो कुछ अलग ही है। ओ नाइस। और ये सब भी हम लोग पहनना पड़ता है, ये देखिए कितना वेट है इसका। दिखाना ये तो काफी भारी है, कम से कम आधी किलो से ऊपर का होगा ये। और ये सीपीयू का बना हुआ है ना? जी सीपीयू तो... का बनाया हुआ है लेकिन ये बहुत पुराना जमाना का है। अच्छा तो ये खरीदने में मिलता है, कैसा मिलता है? या एंसेस्टर मतलब कि आपके जो पूर्वज है उन्होंने दिया? ये तो हम लोग का पूर्वज जनों का, जैसे ये मेरा माँ का उसका। अच्छा वो देते हुए आए हैं। अच्छा ये बाजार में मिलता है? नहीं आजकल जो है ये बच्चा लोग नाचने के लिए अपना ट्रेडिशनल बनाते हैं, बल्कि मार्केट से जो सीपी खरीद के बनाते हैं। ओके। लेकिन जो हमारे पास है ये ओरिजिनल, ये पुराना जमाना का। कितने साल पुराना होगा ये? ये तो बहुत साल, जैसे मेरा दादी माँ ऐसे ही मतलब अपना बेटी को देते है, जैसे मेरा बेटी शादी जाएगा तो हम इसको बेटी को दे देगा ऐसे। अच्छा ये मतलब फिर भी अंदाजन 200-300 साल? हाँ ऐसे इतना होगा। हाँ ऐसे होगा भाई साहब। ये देखो ये भी लेडीज लोग का ड्रेस है, ये तो बेल्ट है, यहाँ पे बेल्ट पहना जाता है। ओके ये पूरा सी पूरा ये जमाना का, इसलिए पूरा पुराना ना, देखिए पूरा पुराना हो चुका है, काफी पुराना है जी, बहुत ये जमाना का है। ओके ये दांत है क्या? हाँ ये किस चीज के दांत है? ये भालू के? नहीं नहीं ये हाथी के दांत से बनाया। ओ तेरी की, ये हाथी के दांत है? मैंने तो पहली बार छुआ है। हाथी का दांत इतना छोटा होता है? उसको काट के बनाया। अच्छा काट के बनाया हुआ है हाथी का दांत से, काट के बनाया जाता है। तो ये हाथ में पहनते हैं? जी ये हाथ में पहनते हैं लेडीज लोग। Oh my God. और इसका साथ में इसको मिला के पहनते हैं। ये देखो और ये सारी चीजें बहुत भारी है यार, जो मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ ना, काफी वेट है इनका। दिस इज यूनिक। और ये है माला, ये माला आ गई एक और माला है। तो काफी सारी माला पहननी पड़ती है, बहुत ज्यादा पहनना। तो यहाँ पे डांस वगैरह भी होता होगा ट्राइबल है ना? तो वो कहाँ देखने को मिलेगा? वो तो अभी आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि फेस्टिवल वगैरह होने से ना। अच्छा हम लोगों का जैसे ये दिसंबर 5 दिसंबर को हम लोग का ये आदि लोग का पोदी बर भी होता है फेस्टिवल, तो उसमें आप आने से बहुत देखने मिलेगा। और ये हम लोगों का एक कानपुर। ओके नाइस दिखाना इयररिंग्स जी। सी दीज आर इयररिंग्स, सलमान खान का जो ब्रेसलेट है उसकी याद आ गई इसको देख के। वो हाथ में पहन के यूं करता है ना यूं, देखो अपन ने ये रबड़ का पहन रखा बस। नाइस यार देखो ये सब ट्रेडिशन है अरुणाचल का।
ओई जी आज हमें ये सब कुछ पहन के दिखाएंगी, और आपका भी तो है ना, वो भी तो दिखाओ, इस तरफ आए। ओके, ओहो हो, ये क्या है, ये क्या है, ये जो है ना मेरे दाव दाव है, स्मॉल लियोपार्ड जैसे देखते हैं। ओके, लियोपार्ड उसकी खाल से बना हुआ है, उसको खाल को ऐसे डालते हैं, ये जो है ना ये ऊपर डाल रखा है, खाल कवर डाल रखा है, कवर में डालता है जो है। हम लोग पहले जमाना में हमारा ये ट्राइबल सोसाइटी में ये वार के लिए यूज करता था, और ये अपना प्रोटेक्शन के लिए शरीर में ऐसे करके इसको बुकता है इसको। ओके नाइस, और ये बता रहे थे, हाँ उसको निकाल के दिखा दो एक बार। ये तो टूट गया, मैंने गलती से लकड़ी में काट दिया, उसमें जोर से काट दिया तो टूट गया ये। अच्छा ओके, नहीं तो बहुत धार होता है ये। अरे हाँ, लगेगा बहुत ज्यादा शार्प है ये, अभी मुझे लगा यहाँ पे हल्का सा, पता चले कि कहीं कट गया। हमारा बेल्ट होता है, ये बेल्ट है लड़का का बेल्ट होता है, इसमें भी सीप, ये भी सीप डाल, हाँ पूरा पूरा एकदम कैप हो गया, कैप इसको ऐसे पहना। अरे वाह क्या सही लग रहा है। और ये जो है, दिस इज अल्टीमेट, और ये जो है वार शुरू बोल के नहीं, हम लोग ऐसे इसको फनता है जब जंगल में जाते समय, ये जो रेंज से बहुत सेफ होता है, इसको ऐसे पहना जाता है। ओके, ऐसे करके अलग ही दिखता। अभी मैं इसको पहन सकता हूँ? अच्छा हाँ, मैं ट्राई करूंगा जरूर एक बार। नमो, ये वाला ये नमो बोलता है, ये जो पनता है इसको घुसाया जाता है ऐसे करके पनता है, ऐसे करके। ये बेल्ट जो है यहाँ में लगा लेते हैं। ओके, तो ओई जी ड्रेसअप करके आ रही है, तब तक हमें पापू भाई अपना ड्रेसअप दिखा रहे हैं। लड़का को ऑर्नामेंट पहनता था, इसको ऐसे करके लगाता है, ये लगाते हैं, ये एक माला है, ऐसे डबल त्रिबल बहुत डालता है, मेरे पास तो सिर्फ इतने ही तो है। अच्छा, ऐसे करके डालता है। सी गाइस, दिस इज क्या बोलूँ मैं यार। अरुणाचल की ये जो ड्रेस है मुझे तो पहली बार देखने को मिल रही है। अभी ओई जी आ रही हैं, ओई जी पूरा ड्रेसअप होके आएंगी, बाकी ऐसा कुछ दिखता है ट्रेडिशनल ड्रेस अरुणाचल का, और ये है आदि ट्राइब का ये ड्रेस है। जंगल की घास है, इतना दिन सर्वाइव करती है ये तो कम से कम, नहीं नहीं बोलने से 100 साल जैसे हो गया होगा, 100 साल हो गया इसको, हो गया होगा, पुरना से निकाल के रखा हुआ है, इसको कलर कर रखा है, नहीं कलर ना, वो ब्लैक ही होता है, ये ब्लैक ही होता है, ब्लैक ही होता है। अच्छा, ओहो, तो ओई जी आ रही है, देखो देखिए ये, अरे लाजवाब, लुबो रामो बकर का ट्रेडिशनल ड्रेस है। क्या चीज? लुबो रामो बकर, वो ट्रेडिशनल आदि ट्रेडिशनल ड्रेस है। पहले जमाने में इसको पहन के खेती जाते है, लकड़ी भूकते है। अच्छा, पीछे में लकड़ी होगा भूकेगा, और आगे में बच्चे को पकड़ के खेती से आता है, पूरा सब काम करना पड़ता है। और आजकल है कि हम लोग इसको पहन के ठीक तरह चल भी नहीं पाते, ना भारी बरतन होते। ये हैं जी देखो दोनों, तो पहली बार मैं कुछ ऐसा कुछ देख रहा हूँ और किसी ट्राइब से मिल रहा हूँ, तो ये है ट्रेडिशन ऑफ अरुणाचल, जी हाँ, और ट्रेडिशन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं आप बिल्कुल, क्योंकि इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। क्या ये जो है गोल्ड का है? ये गोल्ड का है, हाँ गोल्ड का, आजकल बनाते हैं इसको। ओके, पहले भी गोल्ड का हुआ करते हैं, मेरा मम्मी के पास भी है। हाँ हाँ, ऐसा लो, लेकिन पहले का बहुत सुंदर अलपल बनता है। ओके, तो कल मैं ये ड्रेस पहनूंगा और एक फोटो जरूर लूंगा, ये वाली ड्रेस पहन। तो बहुत सुंदर लग रहे हो आप दोनों, और बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब चीज इसमें टाइम लगा एक्चुअली पहनने में, तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए। नहीं, कल कर सकते हैं, कल फिर दोबारा पहनना पड़ेगा। ओके, ना अभी पहन लीजिए, कल भी आप पहन लेना।
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आ गई बोली जी बोल बोली। वाह वाह क्या सुंदर दोनों सुंदर देखे। अच्छा ये क्या है? ये दाव। ये किसका है? ये इनका है। ये उसका साथ है, इसका साथ होता है। ये इसी के साथ होता है। हाँ। पर चकता है लेकिन वो नहीं है। सी। माय ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। बोलिए बोलिए। और इसको क्या बोलते हैं? ओयोक। ओयोक। हाँ। ये सबसा और ये ओयोक। सीरियसली यार मैंने पहली बार ऐसी कोई पोशाक पहनी है जो कि कोई ट्राइब पहनती है, और ये जो एक्सपीरियंस है ना ये बिल्कुल अमेजिंग है, और सारी चीजें पहनाते जा रहे हैं ये मुझे। ये है हमारा चाकू। चाकू? ये छोटा सा चाकू आ गया। देखो बड़ा चाकू हमारे हाथ में उल्टा डाल दिया। ओके ठीक। ओके नाइस। बस ये देखो बड़ा चाकू हमारे हाथ में, तलवार यहाँ पे लटकी पड़ी है, बस जंग में जाने की तैयारी है। नाइस। तो यदि ओई जी और ड्रेस इन्होंने मुझे पहना दी, ये क्या सही लग रहे हैं। बस यहाँ पे दिव्या की कमी खल रही है मुझे। अगर दिव्या होती मेरी वाइफ तो मैं भाभी जी आपने जो एक बार आई है और ये ड्रेस पहन के भाई साहब के साथ में फोटो खिंचवाई है। कितने प्यार से बोल रही है भाई जी। तो आएंगे कभी ना कभी आएंगे, मैं अपनी बाइक दिव्या को जरूर लेके आऊंगा यहाँ पर, और ये वाली जो फोटो है ना जरूर खींचेंगे, तो एक मेमोरी बनेगी। तो अच्छा लगा मुझे तो ये, बाकी एक फोटो वगैरह लेते ना। ठीक है ठीक है। तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मैं कैसा लग रहा हूं। ठीक है हाफ तलवार। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta y salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Te gusta salir y se oxida.